जय हिंद दोस्तों। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं आप लोग एकदम अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो जैसे कि आप सभी को पता है हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा दसवीं की गणित विषय, और उसमें हम क्या डिस्कस करें, उसमें डिस्कस करें हम लोग कक्षा दसवीं की पांचवी अध्याय जिसका नाम है समांतर श्रेणी। और समांतर श्रेणी पढ़ने के दौरान हम लोग पिछली क्लास में क्या क्या डिस्कस कर रखा है, तो हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर रखा है कि समांतर श्रेणी कैसे निकालते हैं, हम कैसे पता करते हैं कि कोई श्रेणी समांतर श्रेणी है या नहीं। और इसमें मैंने बताया था कि मात्र आपको दो फॉर्मूला याद करना है, बाकी सब आपको क्वेश्चन पढ़ना और देखना उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन दिया गया, जो निकालने के लिए बोलेगा वो निकाल लेना है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन को पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या बोला, एपी दिया गया है 3, 8, 13 डॉट डॉट करके 225, मतलब एपी दे दिया, समांतर श्रेणी दे दिया गया है ना। में अंतिम पद से बीसवां पद ज्ञात कीजिए, क्या बोल दिया कि अंतिम पद से क्या पद ज्ञात करना है, बीसवां पद ज्ञात करना है। बहुत आसान से सवाल है, बहुत सारे बच्चे इसको सीधा भी बना सकते हैं और उल्टा भी बना सकते हैं। चलो मैं बताता हूँ कैसे बनाना है। देखो पहला पद क्या है 3, दूसरा पद 8, 13, ऐसे डॉट 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 करके क्या क्या दिख जा रहा है 253 पद। ठीक है, चलो अब थोड़ा ध्यान दीजिए, अंतिम से यहां से स्टार्ट करके हमें यहाँ पे बीसवां पद ज्ञात करना है, है ना। यहां से स्टार्ट करके बीसवां पद ज्ञात करना है, यानी अगर हम इसको पहला पद मान के इसको इधर से बीसवां पद ज्ञात करें तभी मेरा काम बन जाएगा, है ना। इसके लिए आपको करना क्या होगा, इसमें सार्वंतर पता होना चाहिए, है ना। चलिए यहां से पहले सार्वंतर निकाल लीजिए, ये हो गया पहला पद A1, ये हो गया दूसरा पद A2। तो यहां से अगर हम निकालना चाहे सार्वंतर तो क्या होगा A2 - A1, और A2 क्या है सर 8 - 3, ये हो गया 5। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि जो भी हमारा अंतिम पद है, ये जो हमारा अंतिम पद है इससे पहले वाला पद क्या होगा, इससे पहले वाला पद में आप 5 घटा दो तो इसका पहला वाला पद मिल जाएगा, यानी इससे पहले वाला पद पता करने तो क्या करना पड़ेगा, आपको करना पड़ेगा 253 में से 5 घटा देना पड़ेगा, यानी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 248, यानी इससे पहला वाला पद क्या हो गया 248। यानी अगर आपसे मैं बोलूं कि पीछे से अंतिम से स्टार्ट करके हमें बीसवां पद चाहिए, यानी हम एक एपी बनाते हैं, किस प्रकार से पहला एपी हो जाएगा सर हमारे पास, एपी का पहला पद हो जाएगा 253, दूसरा पद हो जाएगा सर 248, और इसी तरह करते हमें कहां तक जाना है, बीसवां पद ज्ञात करना है। अब आपको समझ में आया, तो ये चीजें तो आपने बहुत बार बनाया है ना, बस इसको कैसे इसमें बदलना था ये सीखना था, जो आपने आराम से बना लिया, आराम से आपको क्या करना है बीसवां पद निकालना, चलो बीसवां पद आराम से निकालोगे, कैसे निकालो जल्दी ध्यान दो, हमें सर फॉर्मूला पता होता है, क्या फॉर्मूला पता होता है, हमें फॉर्मूला पता होता है एन बराबर होता है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अगर आप ध्यान दो यहाँ पे बीसवां पद चाहिए नहीं है 20 चाहिए, तो क्या हो जाएगा सर ए प्लस 20 - 1 इंटू डी। अब देखो जो हमारा अभी हम लोगों ने बनाया है, जो हम लोगों ने समांतर श्रेणी बनाया है, वो कौन सा समांतर श्रेणी है, वो ये वाला समांतर श्रेणी है जिसे पहला पद क्या हो गया इसका, इसका सर पहला पद हो गया A1 253, दूसरा पद हो गया A2 248, और सार्वंतर तो वही होगा D, तो वही होगा A2 - A1, तो वही हो जाएगा क्या 5, हो जाएगा सर 5 के बराबर। यानी अगर हम बोले तो हमारे पास A20 बीसवां पद क्या होगा, ये हो गया सर 253 पहला पद प्लस 20 - 1 कितना जाएगा सर 19 इंटू क्या जाएगा 5 इंटू क्या जाएगा 5, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है ना, चलो बढ़ते नेक्स्ट। यानी बीसवां पद हो जाएगा हमारे पास 253 प्लस 19 - 25 - 95, है ना, जोड़ते हैं 253 प्लस 95, ये क्या देखो 5, 3, 8, है ना, और ये 9, 5, 14, 1, ये हो गया 2, 1 कितना हो गया 348। यानी हमारे पास एक मिनट, हमने जो सार्वंतर निकाला थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, है ना। देखो दूसरा पद माइनस पहला पद, दूसरा पद क्या हुआ हमारे पास, दूसरा पद हुआ 248 - 253 कितना जगह, ये आएगा सर माइनस का 5, कितना है सर माइनस का 5 आएगा यहाँ पे सर्वंतर, है ना, माइनस का 5 आएगा यहाँ पे, माइनस का 5 सर्वंतर, यानी ये हुआ माइनस का पंचांग, यानी हमें यहाँ जोड़ना नहीं, हमें यहाँ पे घटाना है ना, घटा 13 - 5 क्या 8, और यहाँ बच गया हमारे पास 4, 14 - 9 गया 6, और यहाँ बच गया कितना है सर 168, यानी हमारे पास बीसवां पद 168 है। क्यों हमने ऐसे किया, देखो ध्यान दो, हमारे पास जो अभी का जो सार्वंतर निकाला है वो देखो उल्टा करके लिखा है हमने, तो पहला पद 253 था, दूसरा पद 248 था, सार्वंतर क्या होता है दूसरा पद माइनस पहला पद, इसलिए हमारा सार्वंतर क्या आएगा निगेटिव आएगा, तो हमने माइनस 5 रख के बनाया, हमारे पास क्या मिल गया अंतिम से बीसवां पद, क्या मिल गया अंतिम से बीसवां पद सर मिल गया 168। उम्मीद करते हैं आपको अच्छे से यहाँ से क्लियर समझ में आ गया होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं।
और ये भी क्वेश्चन बहुत अच्छे से क्वेश्चन है, बस क्वेश्चन को पढ़ना है और आपको जो भी क्वेश्चन इन्फॉर्मेशन दिया उसके रिगार्डिंग में इक्वेशन या जो भी पहला पद दूसरा पद जो भी निकालना निकालना, ठीक है। सर्वांतर में मतलब समांतर श्रेणी में सर्वांतर और प्रथम पद निकालो, समांतर श्रेणी के क्वेश्चन बन जाते हैं। देखते हैं यहाँ से क्या बोला गया है, किसी एपी के चौथे और आठवें पदों का योग 24 है, चौथा पद मतलब ए फोर, आठवां पद मतलब ए आठ, इसका योग कितना बराबर है 24 का। तो इसको थोड़ा सा हल कर लेते हैं, थोड़ा सा हल करते हैं, तो ये चौथा पद हो जाएगा ए प्लस थ्री डी, आठवां पद हो जाएगा ए प्लस सेवन डी बराबर क्या होगा 24। और यहाँ से देखो दो ए है तो दो ए मिल गया टू हो गया, और ये गया सेवन प्लस टेन थ्री क्या हो 10d बराबर हो गया 24। ये गया सर पहला समीकरण है ना, 2a प्लस 10d बराबर 24 पहला समीकरण। आगे पढ़ लेते हैं, नेक्स्ट पढ़ते हैं क्या बोला गया है, तथा छठे और दसवें पदों का योग 44 है। छठे ए सिक्स प्लस ए टेन कितना है 44, ए सिक्स प्लस ए टेन ये आ जाएगा हमारे पास ए प्लस 5d, a plus 5d plus a plus 9d का मान कितना है 44। ये कैसे लिखा है सर, छठा पद है उससे कम, दसवां पद उससे कम d बोला ना। चलो ये आ गया हमारे पास देखो a plus 8 2a और plus 9 5 14d बराबर 44, 14d बराबर 44 है ना। ये हो गया हमारा दूसरा समीकरण, क्लियर है दूसरा समीकरण। तो क्या है हमारे पास दो समीकरण मिल गए, हम क्या करते हैं विलोपन विधि से इसको हल कर लेते हैं, है ना। तो क्या करो दोनों को विलोपन विधि से हल कर दो, एक तरफ ला दो किसी को दूसरा वाला किधर इसके नीचे लिख दो 2a प्लस 14d बराबर 44 है ना। तो क्या करते हैं विलोपन विधि में पहले समीकरण से दूसरा समीकरण को घटा देते हैं, है ना, पहले समीकरण से दूसरा समीकरण घटा देते, प्लस क्या है माइनस माइनस, ये प्लस क्या है तो माइनस, है ना। चलिए दो ये कट गया, यहां बच गया माइनस का 4d बराबर, ये हो गया सर चार से चार गया जीरो, चार से दो गया दो क्या गया, यानी d बराबर माइनस के 20 है ना, माइनस का 20 बट्टा माइनस का 4, माइनस प्लस प्लस हो गया 4 बचे 20 हो गया, यानी d का मान कितना गया 5, d का मान क्या गया 5। जैसे हमें d का मान मिल गया 5 तो हम क्या करेंगे किसी एक समीकरण में रखेंगे, एक मान निकाल लेंगे, है ना। चलो किसी एक में रखो तो पहला पद समीकरण क्या था 2a प्लस 10d बराबर 24 और आपको मान क्या मिल गया सर d का मान मिल गया आपको 5, तो रखो किसी एक को है ना, डी का मान कितना मिल गया, डी का मान गया 5। चलो रख लो क्या करेंगे, कहेंगे डी का मान, डी का मान समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, समीकरण एक में रखने पर, है ना। चलो देखते हैं क्या मिलता है, चलो डी का मान क्या है 5 रख दो यहाँ पे, ये देखो 2a प्लस 10 इंटू 5 बराबर 20, यहाँ से देखा सर 2a प्लस 50 बराबर 24 और यहाँ से सर 2a बराबर 24 माइनस का 50 और यहाँ से सर 2a बराबर 26 और यहाँ से इसलिए a बराबर 26 बाई 2 जो कि किसके बराबर आएगा सर 13 की, यानी a का मान आ गया, देखो हमारे पास कितना 13, एक मान कितना गया 13। अब आते हैं नेक्स्ट, क्या बोला गया है कि अगर ये हो तो AP के प्रथम तीन पद ज्ञात कीजिए, मतलब पहला तीन पद ज्ञात करना बहुत ही आसान सवाल हो गया, क्यों, क्योंकि सर हमें A और D मिल गया, हमें A मिल गया है, हमें D का मान मिल गया 5, हम प्रथम तीन निकाल सकते हैं। तो प्रथम पद क्या हो जाएगा सर, प्रथम पद होगा सर A जिसका मान कितना है हमारे पास 13, और उसी तरह द्वितीय पद अगर देखना चाहे हम द्वितीय पद तो क्या होगा सर A प्लस D, A प्लस D जो कि बराबर हो जाएगा 13 प्लस 5 कितना हो जाएगा ये जगह सर 18, सर उसी तरह तृतीय पद या तीसरा पद क्या होगा सर होगा दूसरा पद जोड़ सर्वांतर, तो दूसरा पद हो गया 18 जोड़ सर्वांतर कितना हो जाएगा 23, यानी कुल मिला के हमारे पास प्रथम तीन पद क्या हो जाएंगे 13 18 और 23, ये हो गया हमारे पास प्रथम तीन पद, प्रथम तीन पद। उम्मीद करता है कोई क्वेश्चन एकदम अच्छे से समझ में आ गया। देखो इस क्वेश्चन में क्या था, देखो इस क्वेश्चन में था सिंपली क्वेश्चन को पढ़ा, क्वेश्चन में जो जो चीजें दिया गया उसके अकॉर्डिंग हमने समीकरण बना दिया, जैसे हमारे पास समीकरण दो, समीकरण दो चार आसानी से हमने हल कर दिया विलोपन विधि द्वारा, पहले डी का मान निकाला फिर डी के हेल्प से हमने एक मान निकाला, जैसे हमें प्रथम पद और सर्वांतर मिल गया हम सारा का सारा सर्वांतर समांतर श्रेणी निकाल सकते हैं, जितना पद बोले उतना पद हम निकाल सकते हैं, क्लियर है। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया, चलिए तो आज की क्लास में हम यहीं तक पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्लास में इसके आगे वीडियो डिस्कस करेंगे।